आजियो में कभी भी नहीं। हाँ, क्या आज प्रोग्राम आपने अरेंज किया है 26 जनवरी के अवसर पर? हमने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और यहाँ पे पहले फ्लैग होस्टिंग हुआ है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं तो अभी वो चल रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग आए। जी, अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। टेक्नोस्टेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जी, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ पर UX/UI डिज़ाइनर हूँ एंड यहाँ पर कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस हम लोग किस लिए मनाते हैं? गणतंत्र दिवस बेसिकली जो अभी जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लागू हुआ था तो उसके पावन अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। परिचय दीजिए सर अपना। हाँ, मेरा नाम इंजीनियर दीनानाथ है, मैं आवास विकास से रिटायर्ड हूँ और आज इनके इन्विटेशन पर मैं आया था। संस्था बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, मैं इनके सोशल वर्स की कामना करता हूँ। जो लोग बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक अच्छा मैसेज गणतंत्र दिवस पर दिया गया, गोष्ठी भी हुई जिसमें लोगों ने अपने विचार रखे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं टेक्नोस्टेट टेक्नोलॉजी ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हम अपने छात्रों के साथ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। छात्र अपनी रंगारंग प्रस्तुति दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि छात्र आगे अपने भविष्य मतलब उनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी हम कामना करते हैं। और हम यहाँ पर IT जो टेक्नोलॉजी होती है IT सेक्टर के लिए हम काम करते हैं, लाइक जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह का हम लोग ये बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए और हम यही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं चेयरमैन @ सरकारी टेक्नोस्टेट टेक्नोलॉजी OPC प्राइवेट लिमिटेड। मैं गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सभी देशवासी और अपने शहरवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जिस तरह से हम लोग टेक्नोस्टेट में IT फील्ड से हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम सारे बच्चों को अपने छात्राओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आगे अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।